सो आज हम नया सीखने वाले हैं ग्लाइड टू अ स्पॉट. सो इसमें यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दी है और हम लोग इसको करेंगे. तो मैं पहले आपको दिखा दूँ कि आज हम क्या सीखने वाले जूनियर्स. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम ये भी अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते. एक छोटी सी स्टोरी बनाई है. एक आउल है एंड देयर इज वन कैरेक्टर. एक थीम है बैकग्राउंड और ये कैसे ग्लाइड करते हुए वो अपने स्पॉट पे, मैंने उसको डिसाइड किया कि यहाँ पर वो उसका स्पॉट पे जाना है. कहाँ पर जाएगी अभी हम देखेंगे. सो मैं आपको इसको बड़े स्क्रीन में दिखाती हूँ. सो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस. सो सी हियर. सो आज हम सीखने वाले हैं ये. नाउ लेट्स डू दिस. तो इसके लिए हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया. तो मैं इसको अभी देखिए, अभी हमने ये बनाना है. तो अब हम कैसे जाएंगे न्यू पेज पे, अब वो भी सीखेंगे. एंड हाउ टू टेक ब्लॉक कोड डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट एरिया सो डैट. तो रेडी विद योर पेन पेंसिल एंड नोट डाउन कौन से इंस्ट्रक्शंस कोड लेने हैं आपको स्क्रिप्ट एरिया में यूज करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो सबसे पहले अब हम टॉप मोस्ट में जाएंगे. टॉप मोस्ट में हम टाइटल देंगे. तो आज हम क्या सीखने वाले, ग्लाइड टू अ स्पॉट. सो एक कैरेक्टर रहेगा, उसको मैंने स्पॉट दिया है वो किस डायरेक्शन में जाके वो एक पर्सन के यहाँ जाएगा. सो इस तरीके से मतलब अब हम ये सीखेंगे. तो अब इससे पहले कि हम पहले एक न्यू पेज ले लेते हैं. फाइल में जाना है, टॉप मेन्यू में जाके न्यू. मुझे जब भी न्यू बनाना, ये ऑलरेडी बनाया है मैंने, अपने सेव किया हुआ था आपको दिखाने के लिए कि इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड हम क्या सीखने वाले जूनियर. ओके किड्स, सो क्लिक ऑन फाइल. टॉप मोस्ट मेन्यू में रहता है आपके. न्यू फाइल पे हम जैसे क्लिक करेंगे, आई विल गेट दिस पेज, अ न्यू पेज. अब हमने इसको जो मैंने बताया था वो हमने अभी बनाना है. तो कैसे करना है हम लोग उसको देखेंगे. तो सबसे पहले जैसे कि हम टाइटल का नाम देंगे. तो आज हम क्या सीख रहे हैं, ग्लाइड टू अ स्पॉट. ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक है जिसको हमने आज सीखना है. टू मेक अ कैरेक्टर मूव अक्रॉस द स्टेज. तो वो एक स्टेज पे है, उसको मैंने आई हैव मेक देम मूव टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज गिवन कि आपको वहां पर आना है. सो यहाँ पर आज टाइमिंग के रिलेटेड नहीं है बिकॉज ये स्टोरी में एक ऐसा हम प्ले कर सकते हैं. तो लेट्स, अब मैंने टाइटल दे दिया है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ग्लाइड टू अ स्पॉट. ये एरिया में हमेशा जो भी आप स्टोरी का नाम देंगे वो हमेशा आपको यहाँ यूज करना है. ओके रिमेम्बर जूनियर्स, नाउ मूविंग. अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमेशा बताया आपको कि हमें सबसे पहले बैक स्टेज लेना है. बैक स्टेज हमें थीम यूज करना है. तो हम जाएंगे राइट साइड बैकड्रॉप. बैकड्रॉप पे मैं जैसे जाती हूँ, आई विल चूज अ बैकड्रॉप. अब मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमें अगर नाम पता है तो वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन कि मुझे माउंटेन चाहिए. तो ऑलरेडी मैं वही प्लेस को ले रही हूँ और ये इसलिए लिया सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड. अगर हमें नाम याद रहेगा तो हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं. सो नो नीड टू गो इन टू फोल्डर और ढूंढने के लिए. हम अगर हमें जब पता चल जाएगा, जब हम यूज टू हो जाएंगे इसको, तो हमें नाम. तो हमने सबसे पहले यहाँ क्या किया, राइट साइड में गए. आई हैव क्लिक ऑन चूज अ बैकड्रॉप. मैंने सर्च में जाके क्लिक किया और माउंटेन मैंने थीम लिया. नाउ आई वॉन्ट अ वन कैरेक्टर वे यो. सो अब मुझे जाना है चूज अ कैरेक्टर. और मेरा कैरेक्टर में एक पीपल में है. सो आई नो दैट नेम ऑफ दैट पर्सन. सो आई सिंपली क्लिक विच, बिकॉज मुझे मेरे कैरेक्टर का नाम पता था इसलिए मैंने सर्च में डाला. एंड आई टेकन. सो आई डिसाइडेड कि ये यहाँ पर रहेगी. ये मेरा एक मैंने प्लेस दे दिया है नाउ. ओके नाउ मूविंग. अब हमने क्या किया, सबसे पहले लर्नर्स, सबसे पहले देखिए हमने बैकड्रॉप सेट किया. देन आई चूज अ कैरेक्टर और बैकड्रॉप में मैंने माउंटेन लिया. एंड चूज अ कैरेक्टर विच करके कैरेक्टर मैंने चूज कर लिया. अब मैं चाहती हूँ कि अब हमारा आज का टॉपिक किसके रिलेटेड है, ग्लाइड अ स्पॉट. तो मैं एक कैरेक्टर मतलब एक एनिमल कैरेक्टर लूंगी आउल. एंड उसका हम पोजिशन यहाँ देंगे एंड आई विल सी. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि हम एक्स एंड वाई जो यहाँ पर देखते हैं स्टेज के नीचे, इसको कैसे यूज करना है, कैसे हमको अब इनका कैसे रोल प्ले होगा. अभी तक हमने कलर देखा, इफेक्ट देना है, स्पॉट देना. आज हम देखेंगे ये जो एक्स एंड वाई है इनका कैसे यूज होगा एंड
कैसे अब हमको इसको अंडरस्टैंड करना है. तो सबसे पहले मैं जाऊंगी अगेन राइट साइड में, चूज अ स्प्राइट. जैसे मैंने अभी मैंने ऑलरेडी बताया, जब आपको नाम पता है तो यू सिंपली क्लिक. तो आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस सो मेनी फोल्डर्स, तो हम लोग एक कैरेक्टर, अगर आपको और कुछ लेना यू कैन. तो मैंने आउल कैरेक्टर ले लिया एंड आई वॉन्ट कि ये यहाँ पर बैठे, बट ये साइज में बड़ी भी लग रही है. सो वो भी हम इसमें सीख लेते हैं. अगर मुझे एक तो ऑप्शन क्या है, यहाँ से हम इसका साइज कम कर सकते हैं. तो फिलहाल हम इसको सीखेंगे. देयर इज अनदर वे जो मैंने बहुत बिगनिंग में बताया है, बट इनिशियल यू आर इन अ बिगनर ऑफ द स्टेज, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. तो मैं यहाँ से इसका साइज कम कर रही हूँ कैरेक्टर का. तो यू कैन सी द साइज ऑफ कैरेक्टर गो. सो मैं चाहती हूँ, देखिए अभी ये एक्स, अभी मेरा आउल का सी द एक्स एंड वाई इट इज रिटन ओवर हियर. तो मैं चाहती हूँ ये यहाँ रहेगा. ओके, एंड ऑलरेडी हमने डिसाइड किया, जैसे पिक्चर्स में हम कैसे देखते हैं ना सीन होता है, वैसे ये यहाँ पर है एंड इस टाइम इसका एक्स एंड वाई यहाँ है. ओके, तो अब हमें इंस्ट्रक्शन देना. हमारा स्टेज रेडी है. स्टेज में हमने बैकड्रॉप डिसाइड कर लिया, चूज अ कैरेक्टर भी ले लिया. हमने दो कैरेक्टर लिए क्योंकि आज हमारा थीम है ग्लाइड टू अ स्पॉट, मतलब ये ग्लाइड करते करते इधर जाएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस नाउ. सो अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने है. तो सबसे पहले अब कहाँ जाना है हमको, अब मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है. तो आई विल गो टू माय लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में कोड में जाना है, कोड डिस्क्रिप्शन. ये कलरफुल जो नाइन्स है हमें इनमें से यूज करके स्क्रिप्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड देन वी कैन प्ले अ स्टोरी. अब मैं सबसे पहले, मैंने हमेशा कहा है आई वॉन्ट, और एवरी टाइम ये बोलूंगी कि सबसे पहले इवेंट में जाना है. इवेंट इज दो बेस ही है आपका कोई भी प्रोग्राम, ये जब भी आप स्टोरी, क्योंकि हम अभी कैसे हम एक एक पार्ट सीख रहे हैं स्टोरी के. तो ग्लाइड टू स्पॉट में पहले ये अभी प्ले करना है, तो मुझे ग्रीन, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक तभी वो प्ले होगा. जैसे आपको मैंने बिग स्क्रीन में बताया, तो मैंने ग्रीन फ्लैग यूज किया था सो डेट कि मेरी स्टोरी रेडी थी. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले अ स्टोरी. नाउ सबसे पहले हमने क्या लिया किड्स, राइट साइड में गए, इवेंट में गए. इवेंट में मैंने वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ले लिया. अब मैंने क्या बताया आपको क्या चाहिए, अभी मोशन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर ये कलर चेंज करना है तो लुक्स में आता है, लेकिन अब मैं इसका कुछ लुक्स नहीं चेंज कर रही. आई वॉन्ट कि ग्लाइड करते करते यहाँ पर आए. ओके, तो पहले मैं एक्स एंड वाई देखी. अभी आपका मेन फोकस एक्स एंड वाई पे. जूनियर देखो कहाँ पर है, एक्स माइनस 170 एंड वाई 146. ये किसका है, ये भी आपको ध्यान रखना है जूनियर कि ये किसको सेलेक्ट किया, ये उसका पोजीशन बता रहा है यहाँ पर एक्स एंड वाई में. अगर मैंने ये कैरेक्टर दूसरा लिया विच वाला, तो उसका यहाँ पर एक्स एंड वाई दूसरा है, क्योंकि वो इस एट प्रेजेंट वो यहाँ पर है. अब मुझे किसको ग्लाइड कराना है, अभी आप इसको भी करा सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ मेरे आउल, वो आपको आपके अकॉर्डिंग स्टोरी जैसा जिसको आपको ग्लाइड करना यू कैन चूज, बट मैं चाहती हूँ मेरी आउल है वो यहाँ पर आए इसके शोल्डर पे. ओके, कैरेक्टर के, तो विच के कैरेक्टर पे आउल यहाँ पर आएगी. तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले आउल को चूज करूंगी. आई विल सी वेयर इज द पोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, तो यहाँ पर करंट उसका प्रेजेंट, यस, तो इट इज अ प्रेजेंट यहाँ पर है, राइट. तो मैं जाऊंगी मोशन एंड आई वॉन्ट ग्लाइड एक्स एंड वाई, मतलब यहाँ से यहाँ से उसको किधर जाना है, ग्लाइड करते करते यहाँ पर. ओके, आउल को यहाँ आना है. तो अब मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा एक्स एंड वाई होता है. तो यहाँ पर मेरे ये कैरेक्टर को देखो 20, अगर कैरेक्टर का पोजिशन देखेंगे ये है, बट माई क्वेश्चन इज दिस, अभी आप सोचो कि मुझे तो उसको यहाँ रखना है, तो क्या ये जो जिधर खड़ी है वही पोजीशन को कंसीडर किया जाएगा? नो. तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, मैं आउल के कर जाऊंगी मेरे कैरेक्टर को, और मैंने देखना है कि जब वो ऐसे आए तो वो कहाँ चाहिए. तो अब देखिए एक्स एंड वाई चेंज होगा, आपका ध्यान एक्स एंड वाई में होना चाहिए जूनियर्स. यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये जब यहाँ से वो चेंज कर रहे हैं अपना पोजिशन, तो वो यहाँ पर हो, वो ग्लाइड करते करते कैरेक्टर के इस टाइम. तो देखिए यहाँ पर जब ये कैरेक्टर का देखिए डिफरेंट आ रहा है एक्सन, तो ये कभी नहीं लेना. हमें जो कैरेक्टर को ग्लाइड करना है उस कैरेक्टर को लेके जाना है एंड विल सी कि ये क्या. तो मैंने ये ऑटोमेटिक, अभी हमें टाइप करनी जरूरत, ऑटोमेटिक आप लोग माल बता रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर चेंज दिखाएगा जो मोशन आपके कोडिंग ऑटोमेटिक चेंज होगा. आपको कुछ
लिखना नहीं ये है कि ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये कैरेक्टर को जब आए तो इसके पास ये पोजिशन पे बैठना चाहिए, मतलब ये एक्स एंड वाई तभी ये होनी चाहिए. तो आपको कुछ ऐसा याद नहीं रखना है, इट्स वेरी वेरी सिंपल. आपको सिंपली ग्लाइड में आप हमें ग्लाइड तो ऑलरेडी एक दे दिया है, तो ग्लाइड करते करते वो वहां से यहां पर आ जाए. ओके तो ये ग्लाइड करते करते ये पोजिशन पे आएगी. तो विल सी, अब मैं चाहती हूँ, अभी आप देखिए ये बन चुका है, ये मैंने इसका पोजीशन चेंज कर दी. विल सी देखिए मतलब यहां से आ गई. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पर कि x को मैं क्या दू, y में भी कौन सा नंबर दू. नो, सिंपली आपको यहाँ जाना है, आपको डिसाइड करना ये चाहिए यहाँ पर एक्स एंड वाई ऑटोमेटिकली गोइंग टू चेंज. देखा ना आपने, लेट्स सी इन द बिग स्क्रीन. तो देखिए मैंने दे दी ग्रीन फ्लैग. देखिए जब मैंने दे ही दिया तो मेरी पिक्चर रेडी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइडेड है. तो इसलिए जो भी आप स्टोरी बनाएं छोटी, जब प्रैक्टिस भी करें आप लोग, तो पहले से डिसाइड कर लो क्या करना. कोई भी कैरेक्टर लो, डिसाइड करो ग्रीन फ्लैग करके, आप देख लो प्रॉपर प्ले हो रहा है कि नहीं. तो सिंपली ग्रीन फ्लैग सी. अभी देखिए इफ आई वॉन्ट टू स्टॉप, मैं जहां भी स्टॉप करूंगी ये उधर चेंज कर देगा, वहां पर ये स्टॉप हो जाएगा. तो सी अगेन, मैंने इसको दिया था यहां से, देन इट्स वेरी सिंपल. यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो अब हम इसमें और कुछ सीखेंगे. यस, और वो भी देखेंगे हमने क्या. तो ये ग्लाइड टू स्पॉट को टाइटल को लिख लो एंड जस्ट नोट डाउन दिस स्टेप्स एंड लेट मी इट्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. तो अभी हम नया सीखते हैं, इसमें और इंटरेस्टिंग सीखेंगे.